नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्लॉस एल्मो में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित G7 देशों के सभी नेताओं ने सामूहिक तस्वीर भी खिंचवाई। हम आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेता यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद समेत विभिन्न महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में बागी विधायकों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने का समय बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि इन विधायकों को आज शाम 5:30 बजे तक नोटिस का जवाब देना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब मांगा है। हालांकि शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बागी विधायकों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को हलफनामा रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील के उस बयान को भी रिकॉर्ड में लिया है कि बागी विधायकों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी समन को साजिश करार देते हुए कहा है कि भले उनकी हत्या कर दी जाए लेकिन वह महाराष्ट्र के बागी विधायकों की तरह गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। असम में अधिकतर नदियों में जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के बीच अब भी 22 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। अधिकारियों ने कहा है कि हालांकि कछार जिले के मुख्यालय सिलचर में स्थिति अब भी गंभीर है और कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रविवार को 5 और लोगों की मृत्यु हो जाने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। वहीं 2 लोग अभी लापता हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कोपिली, बराक और कुशियारा नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एक सप्ताह से अधिक समय से पानी में डूबे सिलचर के उन क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की कोशिश चल रही है जहां प्रशासन अब तक नहीं पहुंच पाया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने पीने की चीजें और अन्य जरूरी सामान गिराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने 2 बार सिलचर का दौरा किया तथा राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत सोमवार को एक अदालत ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की याचिका पर दिया जिसमें सत्येंद्र जैन की हिरासत अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया था। उल्लेखनीय है कि ईडी ने 57 वर्षीय सत्येंद्र जैन को कथित धन शोधन मामले में 30 मई को धन शोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले हफ्ते शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को वृंदावन पहुंचकर ठाकुर बांके बिहारी के दरबार में दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वृंदावन के रामताल पर कृष्णा कुटीर आश्रम आश्रय सदन के सामने बने हेलीपैड पर उतरे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रपति का काफिला सीधे बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हो गया। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया था। राष्ट्रपति के मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही गोस्वामियों के दल ने वेद मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद कोविंद गर्भगृह के सामने VIP गैलरी में पहुंचे। उन्होंने ठाकुर जी को इत्र, गुलाब, फल और मिठाई अर्पित की। मंदिर में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने पूजा अर्चना की। उनके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी ने भी पूजन अर्चन किया। भारत में एक दिन में COVID-19 के 17,073 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,34,07,046 हो गई है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 5% को पार कर गई है जो बीते 4 महीने में सबसे अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 21 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,020 हो गई है। उपचुनाव के नतीजे 26 जून को घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए कथित हमले को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 3 सदस्यीय दल वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में सोमवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह से मिला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी आशीष कुमार साह ने बताया कि दल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा से भी मुलाकात की जो पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस मुख्यालय के सामने हुई झड़प में घायल हुए 19 लोगों में शामिल थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकीपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं करने का फैसला किया है।
हालांकि भविष्य में इसमें फैसले में बदलाव किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा है कि वह मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यह वायरस 50 से अधिक देशों में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 13 मामलों सहित वैश्विक स्तर पर इसके 4100 से अधिक पुष्ट मामले सामने आए हैं। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को कप्तान रोहित शर्मा के कवर के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ एडवर्स्टन टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण रोहित का इस टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। लीसेस्टरशायर के खिलाफ ड्रॉ रहे अभ्यास मैच में रोहित पहले दिन खेले थे, लेकिन उसके बाद से वह पृथकवास पर हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मयंक को 1 जुलाई से शुरू हो रहे टेस्ट में 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला से पहले केएल राहुल के चोटिल होने और अब रोहित के कोरोना संक्रमित होने के कारण उन्हें मौका मिला है। वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में लाभ रहा और बीएसई सेंसेक्स 433.30 अंक चढ़कर बंद हुआ। आईटी, बैंक और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से भी बाजार में मजबूती आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 433.30 अंक यानी 0.82% की बढ़त के साथ 53,161.28 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 132.80 अंक यानी 0.85% की मजबूती के साथ 15,800 अंक के स्तर को पार करते हुए 15,832.05 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।